सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कौन? अरे कौन है भाई? मिस्टर भास्कर चौधरी बोल रहा हूँ। ये ब्रीफ केस खोलिए। जी बोलिए। हेलो। पूरे 25 लाख है। लेकिन ये सब किस लिए? आप है कौन? तुम्हारा दोस्त समझो और ये दोस्ती का पहला नजराना समझो। नजराना? किस खुशी में? कल इंस्पेक्टर भारत पुलिस कमिश्नर के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्योरिटी प्लान डेमोंस्ट्रेट करने वाला है। उस वक्त तुम भी वहाँ पर रहोगे। अगर तुम मुझे उस सिक्योरिटी प्लान की डिटेल्स लाकर दोगे तो मैं तुम्हें पूरे 2 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, काम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। वेलकम सर। मिस्टर भास्कर चौधरी, आप सीबीआई के एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं सर, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जा रही है। और वो ये है मिस्टर भास्कर चौधरी, 26 जनवरी को जिस सीक्रेट रूट से आबादिस्तान के प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी मिस्टर अब्दुल रहमान को गवर्नर हाउस तक ले जाया जाएगा, उस सीक्रेट रूट की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप। ओके इंस्पेक्टर भारत, सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। ये तो ठीक है इंस्पेक्टर भारत, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि जब प्रेसिडेंट साहब के आने में चंद ही दिन बचे हैं तो आपने अचानक उनका रूट क्यों चेंज कर दिया? हमें खबर मिली है मिस्टर शर्मा की एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट साहब पर हमला करने वाले हैं और इस देश का नाम खराब करने की कोशिश करने वाले, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। ओके इंस्पेक्टर भारत, मैं स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से आपकी पूरी मदद करने का वादा करता हूं। थैंक यू मिस्टर शर्मा। ये हमारा मास्टर प्लान है। प्रेसिडेंट के लैंड करते ही पूरे एयरपोर्ट को सील कर दिया जाएगा। स्पेशल कमांडो फोर्स प्रेसिडेंट को बाहर लेके आएंगे। बाहर पब्लिक के आई वॉश के लिए प्रोटोकॉल की खास गाड़ी खड़ी होगी, एक शानदार गाड़ी। लेकिन पीछे की तरफ एक आम गाड़ी खड़ी होगी। उस आम गाड़ी में प्रेसिडेंट एक्चुअली बैठकर गवर्नर हाउस तक जाएंगे। क्वेश्चंस जेंटलमैन? जी हाँ इंस्पेक्टर भारत, ये तो थी सीक्रेट रूट के बारे में जानकारी। जी अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मिस्टर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट क्या है। वो मैंने इस फ्लॉपी में फीड कर दिया है। इंस्पेक्टर भारत, क्या हमें इस
फ्लॉपी की एक कॉपी मिल सकती है ताकि हम इसे अच्छी तरह से स्टडी कर सकें? आई एम सॉरी मिस्टर चौधरी, दिस इज टॉप सीक्रेट। इस फ्लॉपी की कोई और कॉपी नहीं बनाएंगे। ये फ्लॉपी कमिश्नर साहब की कस्टडी में ही रहेगी। हियर यू आर सर। थैंक यू भारत। सिक्योरिटी रूट का ये जो स्पॉट है ये बहुत सेंसिटिव है, ये एरिया। राइट मिस्टर भारत, यहाँ चौराहा भी है और आसपास ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं। कोई भी टेररिस्ट इन इमारतों में छुपकर आसानी से फायर कर सकता है। इस इलाके की जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं उन सब पर हमारे आर्म्ड कमांडोज रहेंगे और इस इलाके में कोई भी गाड़ी पार्क नहीं होगी। एब्सोल्युटली नो पार्किंग। बचाओ, 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 बचाओ। कम ऑन श्रीवास्तव, मूव मूव। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने गाड़ी क्यों रोकी? वो आपकी गाड़ी से किसी बच्चे की चीख सुनाई दी तो मैंने सोचा सब ठीक तो है। मजा आ गया, डेली गाड़ी रोक दी। चुप शैतान, झूठी कहीं की। आई एम सो सॉरी इंस्पेक्टर, आपको भी वजह ही परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल ये तो काफी समय से जिद कर रही थी, आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम खानी है, इसके अलावा कोई बात नहीं। मुनी, इंस्पेक्टर साहब से सॉरी बोलो। बोलूंगी, पहले मुझे आइसक्रीम दिलाओ। दिलाऊंगा भाई, दिलाऊंगा, पहले सॉरी बोलो। सॉरी इंस्पेक्टर। मुन्नी, दैट्स ऑलराइट, लेकिन आगे से ऐसी शरारत नहीं करेंगे, ओके? शर्मा साहब,
मुन्नी, ये क्या है? तुम अभी तक जाग रही हो? पढ़ते लिखते कुछ भी नहीं हो? तुम्हारे स्कूल से स्कूल टीचर की कंप्लेंट आई थी मम्मी के पास कि तुम्हारी लड़की कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, हमेशा टेडी बेयर से खेलती रहती है। चल दो मुझे ये। मिस्टर चौधरी, तुम इतनी रात गए कमिश्नर साहब के ऑफिस में क्या करने गए थे? मिस्टर शर्मा, मुझे एक बहुत ही जरूरी एक... ये तुम्हारे पॉकेट में क्या है? नहीं नहीं, ये मेरे काम की चीज। चौधरी, चौधरी रुक जा। फ्लॉपी मैं आज नहीं तो कल हासिल कर ही लूंगा, लेकिन तू मेरा राज जान चुका है, इसलिए तेरा जिंदा रहना मेरी मौत है और मैं मरना नहीं चाहता। सर, लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यूसुफ, यहाँ किसी ने कुछ देखा है? कोई और इन्फॉर्मेशन? नो सर, आई थिंक ये मर्डर काफी लेट नाइट हुआ और शायद काफी अंधेरा होने की वजह से ही किसी ने यहाँ कुछ नहीं देखा। वैसे आप पूछना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर भारत? मैं पूछना ये चाहता हूं मिस्टर गुप्ता कि कल रात आपके बंगले के बाहर हमारे एक अफसर का कत्ल हो गया है और कातिल को आप में से किसी ने देखा भी नहीं और कोई हरकत या कोई आवाज भी नहीं सुनी। जी नहीं, ना तो किसी को देखा और ना ही किसी की आवाज सुनी। आप लोग नॉर्मली रात को कितने बजे सो जाते हो? यही कोई तकरीबन 10:30 बजे। और भोला? जी। भोला, तुम कितने बजे और कहाँ सोते हो? साहब, बजे का तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन जहाँ जगह मिलती है रात को हम वहीं सो जाते हैं। कल रात तुम्हें कहाँ जगह मिली थी सोने को? कल नीचे बरामदे में सो गए थे हम साहब। Thank you.
यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुन्नी तुमने फिर शरारत की, आखिर तेरी झूठ बोलने की आदत कब जाएगी? मिस्टर गुप्ता यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। मिस्टर गुप्ता आपको एक मशवरा देता हूं, आप अपनी बेटी की शरारतें और ये झूठ बोलने की आदत को अभी से बंद कर दीजिए, वरना आगे चल के आपको और आपकी बेटी को बहुत दिक्कत होगी। मुन्नी आप आज से ये झूठ बोलना और ये शरारतें बिल्कुल बंद। यू हैव टू प्रॉमिस मी, प्रॉमिस, दैट्स लाइक माय गुड बेबी। मुन्नी मगर मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। आप लोग मेरे पर विश्वास क्यों नहीं करते? हेलो मिस्टर चौधरी, मुझे अभी तक वो फ्लॉपी नहीं मिली है। देखिए मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला उसे हासिल करने का, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द वो फ्लॉपी आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, अगर अगले 12 घंटे के अंदर वो फ्लॉपी मुझे नहीं मिली तो इंस्पेक्टर भारत को तुम्हारी लाश जरूर मिल जाएगी, समझ गए? देखिए हेलो, तू ही है जो मेरे साथ खेलता है, पापा तो ऑफिस जाता है, मम्मी तो अपने दोस्तों के साथ रहती है, मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ, और खेलूं तो किसके साथ? क्या हुआ मुन्नी बिटिया? वो आदमी फिर से आया था? वो आदमी देखता हूँ कौन है वहाँ। मुन्नी बिटिया, फिर तूने मुझे आज तंग किया, फिर वही शरारत की तूने? अरे तो सुधर जा मेरी बिटिया, क्यों बूढ़े आदमी को तंग करती है? और तुम चिल्लाओगी तब भी मैं नहीं आऊंगा। हाँ मैं जा रहा हूँ, हाथ तंग करती हो मेरे पर। चल डैडी हम अभी नीचे जाके खेलते हैं। अरे हम नहीं आएंगे, बहुत आवाज दे के चिल्ला रही हो। अब तुम्हारे चिल्लाने से कोई नहीं आने वाला, तुम्हारे वो भोला चाचा भी नहीं आने वाले। एक काम करो, अपना ये प्यारा प्यारा सुंदर सा टेडी बियर मुझे दे दो। नहीं। अरे दे दो ना बेबी, हम दोनों मिलकर इसके साथ खेलेंगे। हाँ एक मिनट, पहले हम मेरे साथ कुछ खेलो। ओके क्या खेलूं? छुपा छुपी। डन। पहले आप अपने आँख में पट्टी बांधो, मैं जाके टेडी बियर को छुपाती हूँ, अगर आपको टेडी बियर मिल गया तो आपका। ओके तो ये हम बांध रहे हैं अपनी आँखों पर पट्टी, 1, 2 और 3। चलो बात छुप जाओ। छिप गई बेबी। ये कहाँ छिप गई तुम्हारी मुन्नी बिटिया? को ये पकड़ लिया। अरे साहब आप कौन हैं साहब? मैं गुप्ता जी का दोस्त हूँ और उनसे मिलने आया। खैर छोड़िए, वो मुन्नी कब से चिल्ला रही थी भोलू चाचा, आप आए नहीं, मैंने सोचा आपकी सके मैं ही उसके साथ खेल लेता हूँ। लेकिन अब आपको मेरा काम करना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। ये पैसे रखिए और मेरे लिए एक गोल्डन कलर का पैकेट होता है, उसमें लाइट सिगरेट होती है। अच्छा जी, वो ले। मैं अभी सिगरेट लेके आता हूँ। देखो बेटा ये टेडी बियर मुझे दे दो।
अरे इंस्पेक्टर भारत, आप यहां? मिस्टर चौधरी, दिस इज द सीक्रेट रूट और हिज एक्सीलेंसी की गाड़ी यहीं से गुजरने वाली है और मैं इस ऑपरेशन का इंचार्ज हूं, इसीलिए मैं यहां। लेकिन आप यहां मिस्टर गुप्ता के बंगले के अंदर कुछ? एक्चुअली हुआ ये इंस्पेक्टर भारत कि मैं यहां वो मिस्टर शर्मा के मर्डर केस के बारे में कुछ इंक्वायरी करने आया था। मैंने सोचा कि उसी सिलसिले में कुछ सवाल मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता से करता चलो, लेकिन वो लोग तो घर पे ही नहीं है। हुआ ये कि मैं जैसे ही अंदर गया तो उनकी बच्ची, छोटी बच्ची मुन्नी, मुझे देखकर अचानक चिल्लाने लगी। उसे लगा कि जैसे मैं उसका ये टेडी बियर उससे छीनने के लिए आया हूं, इस वजह से उसने ये टेडी बियर ऊपर से नीचे फेंक दिया। सचमुच बहुत शरारती बच्ची है। चलिए आप अगर मिली गए तो हेडक्वार्टर चलना है, एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। मैं काम करता हूं, मैं ये टेडी बियर मुन्नी को देकर आता हूं। हेलो इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर भारत, ये क्या टेडी बियर से खेल रहे हैं आप लोग? बहुत दरअसल ये मिस्टर गुप्ता की मिस्टर चौधरी आपसे मिलने ऊपर गए थे तो आपकी वो जो शरीर बेटी जो है उन्होंने ये समझा कि मिस्टर चौधरी उनका टेडी बियर चुराने आए तो उन्होंने वो टेडी बियर नीचे फेंक दिया। ओ, इस लड़की की शरारतों से तो मैं तंग आ चुका हूं। I am sorry, Mr. Chaudhary. No problem, Mr. गुप्ता, बच्ची ही तो है। ये लीजिए मिस्टर गुप्ता, ये अपनी अपनी बेटी को दे दीजिएगा। थैंक यू। साहब, ये आपकी सिगरेट और ये बाकी के पैसे, ये आप रख लीजिए। शुक्रिया। ओके इंस्पेक्टर भारत, मैं आपको डायरेक्ट हेड ऑफिस मिलता हूँ। ओके, बाय बाय। ऑलराइट। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो। अरे मिस्टर श्रीवास्तव, आप आइए आइए। थैंक यू। आइए आइए बैठिए। थैंक यू। सिगरेट? नो थैंक्स। और सुनाइए मिस्टर श्रीवास्तव, आज आप हमारे इधर का रास्ता कैसे भूल गए? कुछ नहीं चौधरी साहब, बस इधर से गुजर रहा था, सोचा कि आपसे मुलाकात करता चलो। बहुत अच्छा किया आपने, अगर आप आ ही गए हैं तो बैठिए, हमें कुछ अपनी सेवा का मौका दीजिए। आप दो मिनट रुकिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाता हूं। चौधरी साहब, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। दरअसल मेरे यहां आने का मकसद चाय पीना ही था। Really? अरे वाह भाई, पिछली बार आपने जो चाय पिलाई थी अपने हाथों से बनाई हुई जी, मुझे बहुत पसंद आई। ऐसी बात है तो आप रुकिए, मैं आपके लिए उससे भी बढ़िया चाय बना कर लाता हूं। ठीक है, दो मिनट। वागई चौधरी साहब, चाय हो तो ऐसी जैसी कि आपने पिलाई। थैंक यू वेरी मच। एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। हेलो मिस्टर चौधरी, वो फ्लॉपी तुमने हासिल की है या नहीं? बॉस समझ लीजिए कि वो फ्लॉपी बस मेरे हाथ में आने वाली है। समझ लीजिए का क्या मतलब है, साफ साफ बताओ। दरअसल बात यह है बॉस के मुन्नी नाम की एक छोटी सी बच्ची है जिसके पास एक व्हाइट कलर का टेडी बियर है, हमारी वो फ्लॉपी उसी टेडी बियर में है बॉस। और ये जो मुन्नी नाम की बच्ची है ये जुहू विले पैलेस स्कीम में बंगला नंबर 134 में रहती है। बिलीव मी सर, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बहुत जल्द उस फ्लॉपी को पालूंगा सर, प्लीज।
सन्नी, क्या बात है, आज आप अपने टेडी बेयर से खेल नहीं रहे? मूड नहीं है। तो यूं आपका मूड बना देते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? लाओ टेडी बेयर, गेम खेलते हैं। लाओ टेडी बेयर। नहीं, अभी मैं टेडी बेयर चुरा लूंगी। तो ठीक है, दूसरी गेम खेलते हैं। एक काम करते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं, ठीक है? हम दोनों छुप जाते हैं, टेडी बेयर हमको पकड़ेगा। ओके ओके, पहले आप जाके छुपिए, मैं आंख बंद करता हूँ। ओके, कम ऑन, क्विक जाइए, जल्दी 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 जल्दी। यही है वो फ्लॉपी। ये पकड़ लिया। मुझे टेडी बेयर पकड़ने वाला था, आपने कैसे पकड़ा? ओ, न, 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 मैं तो भूल ही गया। एक काम करो, मैं छुपता, तुम जाके देखो दरवाजे पे कौन है। ओके जा। अरे पापा, आप इतने जल्दी? हाँ बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा बेटा, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे आराम करना है, ठीक है? इस वक्त जी चौधरी साहब, आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो स्टडी बैग में, जिस फ्लॉपी को, वो दरअसल अपनी महफूज जगह पे पहुंच गई। फ्लॉपी? कौन सी फ्लॉपी? के लिए काम करते हो? मैंने पूछा किसके लिए काम करते हो? प्लीज प्लीज, मुझे पारा इंस्पेक्टर भारत, प्लीज मुझे पारा इंस्पेक्टर, मैं उसे नहीं जानता, हमेशा उससे फोन पे ही बात की, मुझे मत मारो प्लीज। गुड, अभी आप हमें ये बताएंगे उसका फोन तुम्हें कब कब आता है? उसे जब भी मेरी जरूरत पड़ती है वो खुद ही मुझे कांटेक्ट करता है। अब जब उसका फोन आएगा तो तुम्हें क्या कहना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। हेलो बॉस। मिस्टर चौधरी, ठीक डेढ़ घंटे बाद फ्लॉपी लेकर तुम्हें चाइना क्रीक पहुंचना है। तुम वहां पहुंचकर मैं इंतजार करो, वहां पर तुम मुझे फ्लॉपी दोगे और मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे बाकी के पौने 2 करोड़ रुपए। वो तो ठीक है बॉस, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। तो
कौन सी गड़बड़? शर्मा के खून के बाद मुझे एक खून और करना पड़ेगा। किसका खून? उस टेडी बियर वाली बच्ची का। किस लिए? क्योंकि उसने मुझे पहचान लिया है बॉस, इसलिए मैंने उसका टेडी बियर बदलकर उसकी जगह पर अपना टेडी बियर रख दिया जिसमें एक टाइम बम फिट है जो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। हेलो हेलो कट गया। नो प्रॉब्लम। सब आप? और ये आदमी कौन है? ये एक ऐसा इंसान है जो इंसान के रूप में एक भेड़िया है। भेड़िया अगर इंसान की खाल पहन ले तो वो इंसान नहीं बन जाता। अभी आप अपना तारुफ खुद कराएंगे या मैं करूं? मेरा तरीका तो आप अच्छी तरह जानते हैं। God. जी हाँ, ये आपके पति देव चंद रूपों की लालच में अपने देश के साथ गद्दारी करने जा रहे थे, हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे थे। ये सब बकवास है, सबूत क्या है आपके पास? जीता जागता सबूत है मेरे पास। श्रीवास्तव, यही है ना मिस्टर भास्कर चौधरी, जिन्हें आपने 2 करोड़ रुपयों की लालच दी थी? खुद तो कभी सामने आए नहीं। मिस्टर चौधरी आपके घर कई मरतबा आए लेकिन आपको पहचान नहीं पाए, क्योंकि आवाज बदलने में तो आप माहिर हैं। और अब थोड़ी देर पहले जब इन्होंने बताया कि टेडी बेयर में टाइम बॉम्ब छुपा हुआ है, तो चाइना क्रीक जाने के बजाय आप घर में दौड़े आए, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी के चीथड़े उड़ते हुए नहीं देख सकता। करेक्ट? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं गुप्ता जी कि उस टेडी बेयर में कोई टाइम बॉम्ब था ही नहीं, यही मेरा जाल था जिसमें आप बड़ी आसानी से फंस गए। भारत, लेकिन आपको मेरे हस्बैंड पे शक कैसे हुआ? उस दिन जब मैं मुन्नी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था तो मैंने देखा। चुपचाप चला गया क्योंकि इनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, और आज मैंने पकड़ लिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकते।
श्रीवास्तव अरेस्ट हिम। एक मिनट, शर्मानी चाहिए आपको मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर चौधरी। आने वाली पीढ़ी के सामने क्या आदर्श रखेंगे आप जैसे सफेद पोश लोग? एक कार है तुम लोगों पर, हिंदुस्तान के खूबसूरत चेहरे पर एक बदनुमा दाग हो तुम लोग। और सुनिए, जब तक हम जैसे वतन परस्त जिंदा हैं, मुल्क हिंदुस्तान की सरजमी पर आप जैसे गद्दारों के नापाक इरादे कभी कामयाब होने नहीं देंगे।